दोस्तों आज हम सीखेंगे अपने MPEG-4 HD सेटअप बॉक्स में मल्टी सैटेलाइट को कैसे ऐड किया जाता है। मल्टी सैटेलाइट मतलब दोस्तों आप लगभग 5000 टीवी चैनल्स भी देख सकते हैं अगर आप मल्टी सैटेलाइट को ऐड करते हैं और स्कैन करते हैं। तो दोस्तों ये सारी प्रक्रिया आपके HD बॉक्स में नॉर्मल तरीके से हो जाने वाली है। तो अब ये कैसे होगी ये मैं आपको इस वीडियो में बतलाऊंगा। आपने देखना स्टार्ट कर दिया है साहिल चैनलिस्ट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस वीडियो को करते हैं लाइक और चैनल पे नए हैं चैनल को करते हैं सब्सक्राइब, तो दोस्तों आप में से 5 लोगों को मिल सकता है फुल HD वाला सेटअप बॉक्स। बस आप इस वीडियो को लाइक एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल पे आप हमारे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर घंटी वाला निशान दबा दीजिएगा। तो दोस्तों अब आप अपने हाथ में अपना रिमोट ले लीजिए। अब आपको मेन मेन्यू बटन दबाना है। मेन मेनू बटन दबेंगे तो अलग अलग सेटअप बॉक्स में अलग अलग तरह कलर में अलग अलग तरह से फंक्शन आते हैं लेकिन लिखावट सबकी एक ही होती है। तो दोस्तों हम आप लोगों को स्कैनिंग करने के लिए मल्टी सैटेलाइट स्कैनिंग करने के लिए सबसे पहले चैनल्स को डिलीट करवाते हैं। डिलीट हम सारे चैनल्स को यहाँ पे कर देते हैं, सारे ऑल चैनल डिलीट हो गए हैं। अब दोस्तों हम आ जाते हैं कहाँ, आपको डिलीट करने के लिए चैनल एडिट में जाना होगा, उसके बाद से डिलीट करने के बाद इंस्टॉलेशन में आना है। यहाँ पर दोस्तों आपको एंटीना सेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आइए एंटीना सेटिंग में हम आपको बता दें क्या क्या सेटिंग करनी होती है जरूरी। तो दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पर एक सैटेलाइट देखने को मिलेगी। यहाँ पर दोस्तों आपको डिस्क्यूसी 1.0 को यहाँ पर पोर्ट 1 पे कर लेना है, ये ऑफ होगा कुछ इस प्रकार से होगा, इसे 1 कर लेना है। याद रखिएगा अगर आपके आपने सेटअप बॉक्स में अगर आपने डिस्क्यूसी स्विच लिया है और आप जानना चाहते हैं कि कैसे डिस्क्यूसी स्विच लगा कर डीडी फ्रेडिस के MPEG-4 बॉक्स को स्कैन किया जाए तो वो भी चीज़ इसी वीडियो में इंक्लूड है। उसके बाद से दोस्तों आपने पहला तो ये कर लिया LNB पोर्ट 1 कर लिया और उसके बाद से फिर आपको ऊपर से 2 नंबर सेलेक्ट करना होगा और उसके बाद फिर आना होगा यहाँ पर ऑफ होगा, इसे LNB 2 कर देना है। ठीक उसी प्रकार से आपको 3 नंबर में भी आना है और 4 नंबर में भी आना है बारी बारी। अब बहुत सारे लोग यहां से स्कैनिंग करना चाहते हैं, यहां से स्कैनिंग नहीं होगा। ठीक है, यहां से भी स्कैनिंग के लिए दोस्तों आपको करना ये होगा कि रिमोट में रेड वाला बटन है इसे दबेंगे तो यहां पे पूरी सैटेलाइट आपकी अपने आप सेलेक्ट हो जाएगी। तो मैं इसे अनसेलेक्ट कर देता हूं पहले। अब दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने रेड वाला बटन दबा और ये एग्जिट हो गया। यहां पर मैं फिर दबाता हूं, यहां पर रेड वाला बटन मैंने दबा और ये हमारे पास सैटेलाइट लिस्ट आ गई। तो आप चाहें तो यहां से भी कर सकते हैं, अगर आप नहीं आपके रिमोट में नहीं है ये फंक्शन तो आप एग्जिट करेंगे इंस्टॉलेशन में ही दोस्तों आपको यहां पे नीचे सैटेलाइट लिस्ट आ जाएगा, ओके करेंगे। अब दोस्तों यहां पे कैसे क्या करना है ये आप लोग समझ लीजिए। यहां पे सबसे ऊपर वाले पे क्लिक करेंगे तो ऊपर आपको एक निशान आ जाएगा, फिर नीचे वाले पे क्लिक करेंगे, ये भी क्लिक कर लिया, ये भी क्लिक कर लिया, ये भी, यानी चारों सैटेलाइटों को हमने क्लिक कर लिया है और चारों सैटेलाइट हमारी सेलेक्ट हो गई हैं, यानी सेलेक्ट करना है आपको। अब आपको रिमोट से ब्लू बटन दबाना है। आप देखेंगे सेटअप बॉक्स के नीचे ही लाल पीला नीला लिखा होगा तो नीले वाले पे सर्च लिखा होगा या स्कैन लिखा होगा, तो आप रिमोट से नीला वाला बटन दबेंगे और फिर आपके पास एक ऐसा बॉक्स खुल जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आपको विलाइंड सेलेक्ट करना है, FTA को आपको यस सेलेक्ट करना है और उसके बाद यहाँ पे सर्च नाउ पे क्लिक कर देना है। आप देखेंगे दोस्तों कुछ ही देर में आपके पास बहुत सारे चैनल आना स्टार्ट हो जाएंगे। वीडियो के कुछ हिस्सों को दोस्तों हमने फास्ट फॉरवर्ड किया है। वीडियो को मैंने फास्ट फॉरवर्ड इसलिए किया है ज्यादा टाइम ना लगे, क्योंकि इसमें टाइम लगता है 3 से 4 मिनट का। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास काफी सारे चैनल आना स्टार्ट हो चुके हैं और ठीक इसी प्रकार से आप मल्टी सैटेलाइट सेटिंग को कर सकते हैं अपने सेटअप बॉक्स में। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए सभी दोस्तों का बहुत बहुत बहुत